हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.5, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करूंगा इसको, और आपको ये बताऊंगा कि डेसिमल का एडिशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें ना जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और ये सारी कंफ्यूजन आपको हम यह भी दूर कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो लास्ट तक बने रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलते अपने काम पे। क्या हमारा वर्क है? वर्क यह है कि इनको ऐड करना है। देखिए 0.007, इसके बाद प्लस 8.5 प्लस 30.08, ये तीनों टर्म को आपको ऐड करनी है। तो डेसिमल का ऐड का मतलब यही है, लिख भी लिया है कि फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम का मतलब होता है बच्चे ऐड, एडिशन करना। यहाँ पे इसको ऐड भी लिख सकते हैं आप। ये सब वर्ड थोड़ा सा समझ नहीं पड़ेगी। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतर नहीं है तो आप करियर प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे या आई बटन पे आप जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे बेसिक मैथ्स का एक फोल्डर बनी हुई है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है बेसिक का, उस सारे वीडियो को आप एक बार पढ़ लीजिए। उनको वीडियो का अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहतर हो जाएगा। यानी वहाँ पे सम मतलब ऐड, मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब टाइम्स यूज होता है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसी तरह का टर्म सब यूज होता है यहाँ पे। चलते हैं इसको ऐड करने। ऐड कैसे करते हैं डेसिमल का? जो नंबर है आपका, ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को मैं यहाँ लिखता हूँ 0.007, ये तो लिख दिया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पॉइंट के बाद राइट साइड में देखिए 3 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद राइट साइड में सिर्फ 1 डिजिट है। तो पहला तो ये लाइक है नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल बनाने पड़ेगी। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया। पॉइंट के राइट साइड में क्या है, 5 है, लेफ्ट में क्या है, 8 है, ये लिख दिया। फिर बच्चे यहाँ पर देखिए 30.08 है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने यहाँ 0 और 8, और इधर रख दिया 0 और 30। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको लाइक कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पे पॉइंट का पहला डिजिट 0, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0। अब सेकेंड में यहाँ 8 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब नहीं हो तो कुछ भी, तो यहाँ पे एज यूजुअल आप 0 रख दीजिए। अब देखिए, अब इनका ये दोनों तो लाइक हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड डिजिट पर क्या है आपका, 7 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, 0 रखने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या करेंगे, 0 है। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, यानी लाइक हो गया। अब देखिए लेकिन इधर लाइक नहीं है, तो इधर लाइक के लिए यहाँ पे पीछे आप आगे 0 लगा दीजिए, यहाँ भी 0 लगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसको, अब एक लाइन खींचिए और इसको बाद यहाँ पे ऐड कीजिए। अब जिस तरह से हम एडिशन करते हैं नॉर्मल एडिशन, उसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 0 0, तो 7 ही होगा, और यहाँ पर देखिए 8 0 0, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 5 0, तो यहाँ पे 5 पॉइंट। अब इधर कितना हो गया, 8, इधर क्या हो गया, 3, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 38.587। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में बच्चे क्या कर रहा है, इनको ऐड करना है। देखिए डेसिमल में यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सभी अनलाइक है, सभी क्या है, अनलाइक है नौ। तो बच्चे यहाँ पे बी नंबर जो है आपका ये है बी, ये तो ये एक क्वेश्चन नंबर ए था, ये बी में सेकेंड दूसरा चीज़ है, मैं फिर से करेक्शन कर लेता हूँ। ये ए में था 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, बी में आपका ये था, मैं बी को सॉरी बी मैंने नहीं लिख पाया, 15 प्लस क्या है आपका 0.632, साथ जो है आपका 13.8, यही है ना बच्चे। चलो इसको आप करते हैं, मैं ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये वाला तो डन हो गया था, ए का, इसका तो हमने काम कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, अब जो है कि इसी में स्टार्टिंग में किया था मैंने। इसके बाद हम बी का करते हैं ऐड। बी कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 15 है, और यहाँ पर देखिए आपका 0.32 है, यहाँ पर 13.8 है, तीनों को कैसे ऐड करोगे, तीनों अनलाइक है, तो पहले तो लाइक बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 15.0, इधर देखिए यहाँ पर क्या है 0.632, और इधर क्या हो गया आपका 13.8,
बच्चे ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रखने एकदम सीधे सीधे देना है। जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो उसी के जस्ट ऊपर पॉइंट वाला एकदम एक लाइन में होनी चाहिए। उसके बाद राइट वाला इधर लिख दो और लेफ्ट वाला नंबर इधर लिख दीजिए। अब इसको लाइक बनाने के लिए यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इधर भी जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तो वन है ही। अब सभी को ऐड कर देना आपको। तो ऐड करेंगे कैसे, तो देखो जहाँ पर टू हो जाएगा, थ्री हो गया, एट और सिक्स कितना हो गया, फोर्टीन। फोर्टीन का जो है मैं फोर लिखूँगा पॉइंट, अब फाइव और थ्री, एट वन नाइन और आपका टू, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बी का जो आंसर होगा 29.432, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी क्या रहा है, 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। देखिए ये वाला और ये सभी क्या है, अनलाइक है। अनलाइक इसलिए बोलते हैं कि पॉइंट के बाद इधर थ्री डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद टू डिजिट है, इसमें भी थ्री डिजिट है। तो एकदम यहाँ पर देखा जाए तो इसमें थ्री डिजिट है, इसमें टू डिजिट है, तो इक्वल तो है नहीं डिजिट, इसीलिए इसको अनलाइक बोलते हैं। तो पहले तो लाइक करना होगा। तो लाइक के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 20 देखो 27.076 मैं लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, पॉइंट रख दिया, इधर फाइव और इधर भी फाइव, और इधर जीरो हो गया। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जीरो है तो मैं रख दिया जीरो, और जीरो जीरो फोर। अब इसको क्या कर, लाइक बनाए दीजिए, सारे जगह जीरो दे दीजिए। अब इसको क्या करना है, सम करना है। सम कैसे होगा, सिक्स और फोर कितना होगा, सिक्स फोर टेन, तो टेन का क्या होगा जीरो, कैरी आपको वन आ गया। सेवन और फाइव ट्वेल्व, और प्लस वन थर्टीन, और फाइव और वन सिक्स, ठीक है, पॉइंट सेवन और टू, तो आपका आंसर क्या हो गया 27.630, यही आपका आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। ये डी क्या कर रहा है, इनको तीन टर्म है, तीन डेसिमल वाले जो हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करने से पहले इसको लाइक बनानी पड़ेगी। तो लाइक कैसे बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ 25.65 ये है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पॉइंट के पहले लेफ्ट में नाइन है और राइट साइड में 005 है। इधर देखो बच्चे यहाँ 3.7, अब सबको ऐड करना है। तो देखिए इधर देखिए इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम थ्री डिजिट है, तो थ्री डिजिट पर जाकर के आपका लाइक बनेगा। तो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, और इधर भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब इसको एज यूजुअल ऐड कीजिए, देखिए फाइव तो फाइव आ जाएगा, फाइव सेवन और सिक्स कितने हो जाएंगे, थर्टीन, थ्री वन कैरी, नाइन और थ्री ट्वेल्व, फाइव सेवनटीन, प्लस वन एटीन, और टू एट थ्री, तो इनके आंसर क्या हो गए बच्चे 38.355। देखो 355 मत बोलना, यानी पॉइंट के बाद जो है ना डेसिमल वाले जो पार्ट होता है उसमें वन बाय डिजिट, एक एक डिजिट को हम रीड करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे 38.355 पढ़ेंगे, ऐसे मत पढ़ना 38.355, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग। रीड करने का ध्यान रखना है, इधर वाला तो जैसे पढ़ते उसी तरह से पढ़िए, 38 पढ़ ली, इधर बोलना है क्या 0.355, यानी एक एक डिजिट को हम रीड करते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, आपका इसका आंसर हो गया 38.355, यही आपका आंसर हो गया। अब बच्चे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बी वाला, बी वाले पार्ट में क्या कर, 0.075 प्लस 10.425 आप प्लस टू। तो देखो टू को हम लोग जो है, टू जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको लाइक बनाइए, तो इधर देखिए जीरो देना है, इधर भी जीरो देता, तो देखिए टू टू डिजिट सब में हो गया, इधर थ्री डिजिट है तो इसमें जीरो दे दीजिए, यहाँ भी जीरो, और सभी को ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा, फाइव का तो फाइव होगा, फाइव और प्लस टू तो सेवन, और सेवन और प्लस फोर अलेवन, वन कैरी और टू और वन थ्री, पॉइंट यहाँ दे दीजिए और यहाँ वन, तो कितना आंसर आ गया आपका 13.175, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट आपका एफ है। तो एफ जो है ये वाला देखिए, इसमें भी आपका
इधर तो आपको मैक्सिमम 3 डिजिट है और इधर 2 डिजिट है, और इसमें देखिए तो मैक्सिमम आपको इस पे जाकर लाइक होगी। तो लाइक करने के लिए पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखिए 280.69 और इधर देखिए 25.2 और इधर हो गया 38। अब आपको लाइक पहले बनाना है, तो लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे करके यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इधर 0 और इधर 0, 9, 8 पॉइंट, इधर 13, इधर कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 13, और 13 और 1 14 और 2 8 3, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 343.89, यही आपका आंसर हो गया, योर आंसर। ओके, तो 9 जो है हमारा पार्ट जो है फर्स्ट का जो है आपके 6 पार्ट में क्वेश्चंस थे, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ एफ तक तो है आपका टोटल था, और टोटल हमने कंप्लीट किया। तो इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है बच्चे, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।